नमस्ते, मैं आप सबकी वेल विशर सोमा पाठक। आज आप लोगों को क्रिस्टल से वाटर चार्ज कैसे करते हैं ये बताना चाहूँगी। क्रिस्टल से वाटर चार्ज करने का मतलब है, हम रेगुलर बेसिस पे जो भी पानी पीते हैं उस पानी में कैसे हम क्रिस्टल्स को डाल के क्रिस्टल्स के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो हमारे लाइफ के लिए अच्छा होता है, वो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको ये ब्रेसलेट्स पहनने में प्रॉब्लम होती है, कौन क्या पूछेगा इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेसलेट्स पहनने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के रेमेडी के हिसाब से आपके लिए जो भी क्रिस्टल्स सही है, जो भी क्रिस्टल्स आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगी, उन क्रिस्टल्स को आप, चाहे वो टम्बल फॉर्म में हो या क्लस्टर फॉर्म में हो या ब्रेसलेट के फॉर्म में हो, और भी राइस फॉर्म में भी मिलता है, पेंसिल्स के फॉर्म में भी मिलता है, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। अब आपके रेमेडीज़ के हिसाब से आप अपने क्रिस्टल्स को रेगुलर पीने वाले पानी में आप भिगो के रखिए। ध्यान रखिएगा कि वो जो क्रिस्टल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो उस टाइप का क्रिस्टल एक्चुअली में वाटर फ्रेंडली है भी या नहीं। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया भी है, जो भी क्रिस्टल्स वाटर फ्रेंडली नहीं होते हैं, कभी कभी वो टॉक्सिन होते हैं उसमें, तो वो पानी को जहरीला भी बना सकते हैं, जो हमारे हमारे हेल्थ के लिए या हमारे लाइफ के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो वो पहले देख लीजिएगा। ये क्रिस्टल को भिगो के अगर हम पानी पिएंगे तो इसका क्या बेनिफिट्स है। फर्स्टली, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जिनके लिए आपने न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवाया है, जिन स्ट्रगल से आपको निकल के आना है और जिस लिए आपने रेमेडीज फॉलो करने की ठानी है, तो उस हिसाब से आप क्रिस्टल ब्रेसलेट्स या क्रिस्टल बॉडी क्रिस्टल या कोई भी क्रिस्टल को पानी में भिगो के रखिए और उस पानी को आप पी सकते हैं। पर वो पानी ख़त्म होने से पहले फिर से उसमें पानी भर दीजिएगा। इसी बॉटल में आपके प्रॉब्लम के अनुसार एंजल नंबर्स यूज़ करना चाहे, स्विच वर्ड्स यूज़ करना चाहे, तो भी आप इस बॉटल में लिख सकते हैं ये क्रिस्टल्स के साथ, तो आपको मल्टी बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि एंजल नंबर्स भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, आप जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको इसका बेनिफिट पता नहीं चलेगा। एंजल नंबर्स तो ऐसे हैं, आप अगर विश्वास न भी करें, पर ये पानी के बॉटल में और आपके नॉन वर्किंग हैंड साइड में बॉडी में आप अगर ब्लू पेंसिल लिख के रखें तो, और वो पानी हर वक्त पीते रहे रेगुलर बेसिस पे, ये करने से आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एंजल नंबर यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगा। पर आपको तब तक पेशेंस रखना होगा, कंटिन्यूसली इसे यूज़ करना होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट तो आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है एंजल नंबर्स यूज़ करने के लिए। तो ये बेनिफिट्स बहुत हैं। आप लोगों को और भी कुछ जानना हो तो ज़रूर पूछिएगा। इस आपने पिक्चर में जो बॉटल देखा है, इसमें रेड जैस्पर क्रिस्टल है, सिट्रीन क्रिस्टल है, ग्रीन एवेंचुरिन है, एमेथिस्ट है, क्लियर क्वार्ट्ज है, रोज़ क्वार्ट्ज है। सभी क्रिस्टल्स के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, वो हेल्थ वाइज भी होता है और रिलेशन वाइज होता है, फिर नेगेटिविटी दूर करने के लिए होता है, वो अलग अलग क्रिस्टल्स का अलग अलग बेनिफिट होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्रिस्टल ब्रेसलेट्स हम कितने देर तक पहने रखें। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, क्रिस्टल को आप जितने देर तक अपने बॉडी के साथ टच में रखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए एक या दो दिन पहनने से आपको इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। वैसे भी हम न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करने के बाद जब क्लाइंट्स को यही कहते हैं, जिस दिन से आप क्रिस्टल रेमेडीज स्टार्ट करेंगे उस दिन से 3 to 6 months आपको वेट करना पड़ेगा पेशेंट्स के साथ, और उसके बाद ही आपको
रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा, पॉजिटिव बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए 24 घंटे आप अगर पहन के रखें तो बहुत अच्छा है, और दिन में एक बार हो सके तो रेगुलर बेसिस पे आप स्मजिंग कीजिए या धूप में रखिए थोड़ी देर, 5-10 मिनट, चांदनी में रखिएगा, पूर्णिमा के चांद चांदनी में अगर आप रखोगे तो ये बॉटल में जितने भी वाटर्स है क्रिस्टल्स भी चार्ज होंगे, वाटर भी बहुत ही पॉजिटिविटी से भरेगा और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप इसके साथ एफर्मेशंस भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस डाल के भी चांदनी में रख सकते हैं ताकि आपका विश भी फुलफिल हो जाए। एक और मेन बात है, ये क्रिस्टल्स को एक्टिवेट करने के लिए, क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने के लिए क्रिस्टल बेसिक सीखना, कोर्स सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी क्रिस्टल बेसिक कोर्स में ही आपको सिखाया जाता है, आपको अट्यूनमेंट दिया जाता है वायु सिंबल का, जिस सिंबल से हम क्रिस्टल को एक्टिवेट कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं। और ये क्रिस्टल बेसिक कोर्स करने के लिए आपको फर्स्ट रेकी फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री सीखना ज़रूरी है, तभी आप क्रिस्टल बेसिक कोर्स कर सकते हैं। अगर आप रेकी फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री मास्टर लेवल करना चाहते हैं, क्रिस्टल कोर्स करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। आपको कौन सा कोर्स करना है आप डिटेल्स पूछ सकते हैं व्हाट्सएप में, और आपकी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए 20 मिनट्स के लिए, आप अगर बात करना चाहते हैं फ़ोन पे, तो आप 222 रुपीज़ कंसल्टेंसी फीस पे करके बाय गूगल और बाय फ़ोन पे फिर आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आज यहीं तक, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, नमस्ते।